दलित महिलाओं को अपने लिए अपनी बात खुद ही रखनी होगी और अपने लिए न्याय खुद ही मांगना होगा। और बहुत मैं ये बहुत अच्छी बात समझती हूँ कि दलित महिलाओं ने इतनी हिम्मत की है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, अपने बूते किया है और इसको वो लीड कर रही हैं। तो इससे पीछे नहीं जाना चाहिए हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक और रेप केस हो उसके बाद हम फिर से उठें। आई थिंक ये लड़ाई अब नहीं रुकनी चाहिए, ये लड़ाई आगे बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं उसकी लड़की की अगर या लड़के की उनके आपस में कोई बातचीत भी थी, तो इसमें गलत क्या है? इसमें उनको उसको रेप करके मार देने का अधिकार तो नहीं मिलता है, मानते हैं? तो अगर ये लड़की ब्राह्मण परिवार से होती तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती कि वो उसके साथ ऐसा कर सकें? नहीं कर सकते थे। इन डिग्निटी के साथ पैदा होते हैं सर, हम लोग इन डिग्निटी के साथ मर जाते हैं, हम लोगों को जीते जी कोई कोई इज्जत नहीं मिलती। तो ऐसे ऐसे देश ऐसी सरकार की हम क्या इज्जत करें? जब हमारे खिलाफ कोई एट्रोसिटी होती है, हमारे खिलाफ कोई प्रताड़ना होती है, तो अपर कास्ट लोगों का, ऊंची जाति के लोगों का रवैया काफ़ी दोगला होता है। जहां वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, वहीं पर वो ठाकुरों की उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी करेंगे कि नहीं, इनकी लड़की का रेप नहीं हुआ, इनके माँ बाप ने ही इनको मार दिया। तो ऐसे दोगले रवैये के साथ मुझे लगता है कि हम उनको अपना साथी नहीं समझ सकते हैं इस लड़ाई में। हमें प्रताड़ित करने वाले हमारे ही ऑप्रेसर हमारे साथी नहीं हो सकते हैं। या तो वो हमें ऑप्रेस करना बंद कर देंगे या हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब जब हमारे ऊपर प्रताड़ना हुई है, हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो हम दंगाई हो गए हैं और हमें एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जोड़ दिया गया। तो मैं क्या समझूँ, हमारी कोई जगह नहीं, हमारे कोई राइट्स नहीं है, हम ह्यूमंस नहीं है, हम इस देश में किसी भी दर्जे पे नहीं आते हैं और इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी बलरामपुर में केस हुआ, उसके बाद हाँ उसके बाद भी कई रेप केसेस हर रोज होते रहे हैं और दलित महिलाओं की स्थिति और खराब होती रही है। और हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए भी जो ऊंची जाति के लोग हैं वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, वो हमारे लिए न्याय मांगते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो दब जाता है। तो अब ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें अपने लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि दो सवर्णा जो हैं, दो ऊंची जात के लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उसके बदले में जो हज़ारों हैं उनके साथ खड़े हुए उनका क्या? तो सवर्णों का इस वक्त जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि वो अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय में जाके चेंजेस करना शुरू करें। अपने लिए हम बोल लेंगे, लेकिन आप अपने समुदाय में कब बदलाव करेंगे? हमें वो प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी चॉइस नहीं है प्रताड़ित होना। तो आप प्लीज़ जाइए, अपने समुदाय के साथ शुरुआत करनी शुरू कीजिए और हम अपने लिए बोल लेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। देखिए, आप मीडिया से हैं तो आपने CAA NRC के टाइम पे भी काफ़ी कवर किया होगा। तो CAA NRC में काफ़ी कुछ जो है प्रभाव दलित और आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के ऊपर भी पड़ने वाला था। तो लेकिन उस समय सरकार ने जिस तरह से देश के अंदर दंगे हुए उसमें अचानक से दलित हिंदू बन गए थे, अचानक से दलितों को हिंदू का दर्जा मिला था। अभी जैसे बहुत आपने कहीं आर्टिकल्स और न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो ऊंची जाति के ठाकुर लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो अपना कचरा उन 15 परिवारों के घर के सामने फेंकते थे। तो क्या ये इनह्यूमैनिटी नहीं है? क्या ये गैर इंसानियत वाला रवैया नहीं है उनका? तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी अगर वो, और उनके खिलाफ ऑलरेडी भी कंप्लेंस थी लड़कियों को हैरेस करने की और ये सब चीज़ें करने की, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उस गांव में 600 ऊंची जाति के परिवार हैं और अभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको दलित मुक्त गांव चाहिए, मानते हैं? तो दलित मुक्त गाँव के लिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई भी पुलिस या सरकार उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, समाज को अपने आप में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ा दायित्व तो इस वक्त जो पुरुष हैं उनका बनता है क्योंकि हमारे समाज में हमेशा से पुरुषों को काफ़ी प्रिविलेज मिला है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने प्रिविलेज का इस वक्त सही इस्तेमाल करें और वो समाज की बुराइयों को, जो पुरुषों की तरफ से महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना होती है उसको कंट्रोल करने का काम करें। सिर्फ महिलाएं अपने लिए आवाज़ उठाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पुरुषों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पितृसत्ता को, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठानी। निर्भया का तो किसी को नाम भी नहीं पता, क्या आप जानते हैं निर्भया का असली नाम क्या है? नहीं, लेकिन मनीषा जो है उसका नाम
ऐसे उसका पब्लिक आइडेंटिटी ऐसे लीक कर दिया गया जैसे वो इंसान ही नहीं है, जैसे उसकी कोई इज्जत नहीं है, जैसे उसके परिवार की कोई इज्जत नहीं है। इस तरीके से उसका नाम उछाला गया, उसके बारे में भद्दी बातें बोली गई, उसके परिवार के बारे में भद्दी बातें बोली गई। इस तरीके का जो बिहेवियर है, क्या वो किसी अपर कास्ट के साथ होता? मान लीजिए हम खुदा ना खास्ता ऐसा हो, किसी ठाकुर की लड़की के साथ ऐसा होता, तो क्या किसी की हिम्मत होती कि वो उनके कि कोई दलित उनके खिलाफ उसी गाँव में प्रोटेस्ट कर सकें कि हमें ठाकुर मुक्त ये चाहिए, गाँव चाहिए? नहीं हो सकता था। तो काफ़ी काफ़ी क्लियर है, इसमें कास्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इनफैक्ट ये नारा होना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। जितना आप लड़कों को सही एजुकेशन देंगे, लड़कों के अंदर सही लर्निंग डालेंगे, उनको सारी पुरानी बातें भुलाकर नई बातें जब तक आप नहीं सिखाएंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। बेटियाँ तो खुद ही बच जाएंगी सर जब बेटा करना बंद करेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा ये दायित्व है कि हम लड़कियों को बजाय ये कहने कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम बोलें कि हम पुरुषों को रोकेंगे। बहुत फ़र्क है, जब हम बोलते हैं हम महिलाओं की रक्षा करेंगे तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी महिला के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, संस्कारी लड़की कैसी होती है जो आवाज़ ना उठाए, अपनी बात ना रखे, घर से ना निकले, अपने लिए अपने हक की लड़ाई ना लड़े या अपने हक के लिए बात ना करे, क्या ये संस्कारी लड़की होती है? या वो संस्कारी लड़की होती है जो पुरुषों की बात सुनकर ये जो व्यवस्था है इसके साथ चलती रहे? अगर उनकी नज़र में ये संस्कारी लड़की है तो सर वो ज़माना बहुत पहले चला गया, ये 21वीं सदी है और अब ऐसा नहीं होता है। इन लोगों को अपनी सोच बदलनी बहुत ज़रूरत है। ये तो बहुत, आप जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आप जैसे जो मीडिया है जो दलितों के मुद्दों को कवर करती हैं, वो हम लोगों की आवाज़ उठाती है। अगर नेशनल मीडिया के ऊपर छोड़ दें तो शायद 29 सितंबर को ये बात वहीं बंद हो जाती, लेकिन ये क्योंकि मीडिया कवरेज में आया है, आप लोगों ने इसको हम लोगों तक पहुँचाया है, हम लोगों को इसने हमारे अंदर एक ऐसी ज्वाला पैदा की है संघर्ष की, जो शायद हम नहीं बंद होने देंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की कोई भी लड़की दोबारा किसी जाति व्यवस्था की बलि चढ़ जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रवैया है वो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल था। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक से अपनी, उन्होंने तो रेप को ही डिनाई कर दिया, विक्टिम ने मरने से पहले साफ तौर पर कहा था कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उसकी टेस्टिमनी को उन्होंने एविडेंस नहीं माना। और अगर वो इतना घबरा रहे थे, इतना अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो उन्होंने विक्टिम को जला क्यों दिया, वो भी पेट्रोल से?